मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक कृति का दूसरा पाठ है जात पंचम की नाम, लिखा है कमलेश्वर। इस पाठ का सारांश बता रहा हूँ। कृतिका से है, कृतिका से तीन पाठ हैं आपके पाठ्यक्रम में। एक मैंने पढ़ा दिया माता का अंचल, एक आपको जाल पंचम की नाक पढ़ना है और एक और पढ़ना है साना साना हाथ जोड़ साना साना पहाड़ी दृश्य का वर्णन है। जाल पंचम की नाक एक हास्य कहानी है, कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है हास्य कहानी। अंग्रेज तो भारत से चले गए, हम आजाद हो गए, भारत देश आजाद हो गया, लेकिन मन से आज भी वह अंग्रेज अंग्रेज और अंग्रेजी का गुलाम है। मन से वो आजाद नहीं हुआ, उसके अंदर अपना स्वाभिमान आज भी नहीं जगा है, वो अपने मूल को आज भी नहीं पहचाना। इसी पर व्यंग लिखा है कमलेश्वर, जाल पंचम की नाक। जाल पंचम एक अंग्रेज था, भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया था, दिल्ली में उसकी मूर्ति है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली है, भारत का दौरा है, देश आजाद हो गया, नेपाल भारत पर उनका दौरा होने वाला है। अब उसकी चर्चा पेपर में रोज है। एक मूर्ति है गेट पर, जहां आएंगी इंडिया गेट के सामने मूर्ति है जाट पंचम की। एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो भारतीयों के साथ बहुत अत्याचार किया और इसकी मूर्ति वहां दिल्ली में अंग्रेजों ने बनवाई थी, तो नाक उसकी कट गई थी मूर्ति की, उस पत्थर की मूर्ति की नाक कट गई थी, आंख टूट गई थी, टूट गई थी। अब जो सरकारी तंत्र है वो सरकारी तंत्र परेशान, ये नाक अगर नहीं हुई तो हम भारतीयों की नाक चली जाएगी, मान इज्जत चली जाएगी अगर इनकी नाक नहीं हुई तो। अब इनकी नाक एक अंग्रेज अधिकारी जो अत्याचार अन्याय कर रहा है भारतीयों के ऊपर, उसकी नाक भारतीयों के नेताओं बच्चों और नागरिकों की नाक से बढ़ के मान रहा है भारतीय तंत्र शासन प्रशासन तंत्र, और उसके लिए परेशान हो जाता है। मूर्तिकार को बुलवाते हैं प्रशासनिक तंत्र वाले इस नाक को लगवाने के लिए। अब देखिए मूर्तिकार कहता है ठीक है, मैं इस जो पत्थर है इस मूर्ति का, इस पत्थर को ढूंढने का प्रयास करूंगा। सभापति पड़ेकर उसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, आप ढूंढिए जरूर पत्थर मिल जाएगा, यहाँ सब कुछ मिल जाता है, विदेशी सामान भी यहाँ मिल जाते हैं, तो देश हमारे देश का पत्थर हमारे देश में मिल ही जाएगा। देखिए एक अंग्रेज अधिकारी के लिए उसकी नाक के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। खोज जारी हुई, मूर्तिकार बहुत खोजा लेकिन ऐसा पत्थर नहीं मिला, सब उदास हो गए। फिर मूर्तिकार ने कहा एक मैं सलाह दे रहा हूँ, अच्छा पेपर में भी छप रहा है इंडिया वालों में, तो एक सलाह देना चाहता हूँ, लेकिन कमरा बंद कर लीजिए, यहाँ पत्रकार न पहुँच पाए, मीडिया न पहुँच पाए, क्योंकि छाप देंगे सब पेपर में, तो सही बात छाप ही देंगे। कमरा वमरा बंद कर दिया गया, अंदर बैठक बुलाई गई, सभापति बैठक बुलाए, हम सब बैठे। मूर्तिकार ने कहा कि जो अपने देश के नेता हैं, अब देखिए जो देश की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया देश की रक्षा के लिए, उनकी नाक से बढ़ करके जाल पंचम की नाक को समझाया जाने लगा। तो मूर्तिकार ने कहा कि अगर उन नेताओं की नाक कहीं फिट हो जाए तो उनकी नाक लागत के जाने लगा दे, सब मौन हो गए। तो उन्होंने कहा आप इसकी चिंता मत कीजिए, वो
सफाई से उस नाक को ले आऊंगा, कोई जाने नहीं पाएगा। सभापति ने कहा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बहुत सावधानी से काम करना। सहमत दे दी। फिर मूर्तिकार पूरे देश में भ्रमण किया, सभी महापुरुषों के पास गए, सभी नेताओं के पास गया, कहीं उसको ऐसी नाक नहीं मिली जो जाल पंचम की नाक फिट हो गया। जहां वो जाता उसकी माँ करता तो जाल पंचम की नाक से उन नेताओं की नाक बड़ी मिलती। ये भारतीय नेता है, उनकी नाक तो इनकी नाक से बड़ी है, ये नाक का तो इज्जत, लेकिन यहाँ नाक वही नाक है मूर्ति में, यहाँ नाक का से इज्जत भी है, उनकी नाक और बड़ी निकली, माने भारतीय नेताओं की इज्जत इनकी इज्जत से बढ़ गई। अंत में फिर नहीं मिली तो उन्होंने कहा बिहार में कुछ बच्चे हैं जो शहीद हो गए थे आंदोलन में, उन बच्चों की मूर्तियों को जगह वहाँ छोटी छोटी नाक मिल जाएगी। जब वहाँ गए बच्चों की नाक मापने लगे तो उनकी भी नाक जाल पंचम की नाक से बड़ी हुई। इस तरह से जहाँ जहाँ जाते हैं सबकी नाक इनकी नाक से बड़ी रहती है। अब शासन तंत्र परेशान हैरान हो गए इनकी नाक को बचाने के लिए। मूर्ति को खूब नहलाया धुलाया गया, उसमें चंदन अंदर खूब लगाया गया, खूब टेंट पेंट की गई मूर्ति, लेकिन नाक नहीं। सब परेशान हो गया। एलिजाबेथ कपड़ा मंगवाया जा रहा है सिलवाने के लिए, खबर आ रही किस रंग का पहन के आएंगी, भूरे रंग का पहन के आएंगी, बैंगनी रंग का पहन के आएंगी, सब मीडिया वहाँ पेपर में सब छप के आ रहा है, हमारे भी छाप रहे हैं, परेशान हो गए हैं सब। उनके स्वागत में रानी के स्वागत में अच्छा। अंत में फिर मूर्तिकार ने कहा एक उपाय और है, दरवाजा बंद कर दीजिए, चुपके से बताने वाला हूँ। सभापति फिर कहते हैं अच्छा बंद कर दीजिए, तो कहता है कि जिस दिन रानी आएगी उस दिन 40 करोड़ जनता में से किसी की सही सही नाम जी व्यक्ति की नाम लगा दी है, सब चुप हो जाते तो बोलता ही। तो मूर्तिकार कहता है आप इसकी चिंता मत करो, वो व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, वो सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। मुख स्वर में सब अनुमति दे देते हैं, ठीक है कैसे भी हो काम हो, बस जाल पंचम की मूर्ति सही हो जाए, देश में कोई जीवित व्यक्ति परेशान हो जाए इनके लिए, उसकी नाक कट जाए, इनकी नाक बची रहे। वो समय आता है जब रानी आने वाली रहती है, पता चलता है किसी जीवित व्यक्ति की नाक इनके नाक में लगा दी गई, पेपर वाले छाप दिए हैं कि जाल पंचम की नाक तो लग गई, लेकिन ये नाक पत्थर की नहीं है। बस यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी से मुझे यही शिक्षा मिलती है कि देश हमारा वैसे तो आजाद हो गया, लेकिन मानसिक रूप से वो आज भी गुलाम है, अंग्रेजों की ही नकल कर रहा है। अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना सीखना एक खराब बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को भूल जाना, अपनी मूल पहचान, अपनी मातृभाषा को भूल जाना एक जो हमारी मूल है, जो हमारी पहचान है, यदि इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई जा सकती है तो हिंदी को अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाए, हिंदुस्तान में इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लैंड में भी हिंदी मीडियम, ऐसी व्यवस्था हो तो हम अपनी भाषा पर अपने देश पर गर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमलेश्वर ने ऐसे हिंदुस्तानियों पर गर्व किया है जो मानसिक रूप से आज भी अंग्रेज है। मैं समझता हूँ आप सभी समझ गए होंगे इस कहानी के उद्देश्य को। अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर बताऊंगा। धन्यवाद।